जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के लिए ट्वेल्थ क्लास का सबसे बेहतरीन लेक्चर लेकर 52। आप जानते हो इस लेक्चर का जो आज का टॉपिक है, प्राथमिक विधि से या प्रथम शिक्षांत विधि से त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज ज्ञात किया कैसे किया जाता है, ये कहने जा रहा बेटा। और ये जो प्राथमिक विधि से त्रिकोणमितीय फलन अवकलज ज्ञात करना है, ये ट्वेल्थ के एग्जाम में निश्चित रूप से हर एक एक दो साल के बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है। इसलिए आज आप इस वीडियो को बिल्कुल ही विदाउट स्क्रिप्ट किए हुए जरूर देखें। अभी तक जो बच्चे मेरे चैनल को फॉलो नहीं करते हैं जरूर फॉलो करें, और जो बच्चे करते हैं अपने मित्रों को बतावे कि आज तक इससे मैथमेटिक्स इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, RMS मैथ क्रेडिया। निश्चित रूप से आप सही अपने दोस्त को बतावे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब आपको आज का जो लेक्चर का पार्ट्स है यानी प्राथमिक सिद्धांत विधि से त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज क्या है उसके बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, आपको पता है कि छः होते हैं, साइन, कॉस, टेन, ये छः में होते हैं। और इस छों का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अवकलज क्या होता है, आपको सूत्र के रूप में लिखे हैं डी साइन एक्स कॉस एक्स डी टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेक का ये छः। और आपको समझा दिए थे वहाँ बेसिक क्लास में कि जिसका जो त्रिकोणमितीय फलन सी से स्टार्ट होता है, सी से उसके आगे ऋणात्मक होता है, माइनस सी मतलब निगेटिव साइन होता है, डी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू। और ये जो सी से स्टार्ट नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। आखिर ये होता कैसे है वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड से बतलाना है कैसे। अब आज आपके लिए हम इसमें से छः हैं, कोई दो प्रूफ करेंगे या तीन प्रूफ करेंगे, शेष आप निश्चित रूप से खुद से प्रूफ कर लोगे। अगर नहीं दिक्कत होगी तो मेरे यूट्यूब पर या मेरे व्हाट्सएप आप लिखेंगे, हम अगला वीडियो बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका पहले, जैसे आज हम सबसे पहले पहला नंबर प्रूफ करने जाएंगे वो क्या कहता है। तो बेटा सबसे पहले तो किसका ज्ञात करना, साइन का। तो साइन कुछ पहले मानना पड़ेगा, मानना वही हम सपोज किए हैं, माना कि वायर आप y भी मान सकते हो, f fx भी मान सकते हो, y बराबर sin x माइनस कुछ समीकरण एक मान। अब कलर्स का डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन बताए थे डेरिवेटिव्स का, उसको थोड़ा सा दिमाग में स्मरण करते याद बताओ, याद कीजिए। हम आपको बताए थे स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन की दर, स्वतंत्र चर x आश्रित चर y में होने वाली परिवर्तन की दर, परिवर्तन सबसे पहले, उसके बाद रेट, तब कहता के सीमांत मान को कहते हैं अवकलज। तो पहले तो पहला क्या है, आश्रित चर और स्वतंत्र चर में जो चेंज होता है परिवर्तन उसको ज्ञात करेंगे, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे निकलेगा आप जानते हैं, अभी पहले ये था बाद में ये हो गया था, परिवर्तन का मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो इस परिवर्तन ज्ञात करने के लिए इक्वेशन दो में एक को घटाना होगा, ठीक है, लिख रहे हैं करने पर। तो आप बेटा आप ये देखो समीकरण दो क्या हो, वाई प्लस डेल्टा वाई, LHS को LHS में घटाएंगे, RHS को RHS में, माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ आप दोनों काट सकते हो, कुछ बच्चा यहाँ ये कहेगा साइन एक्स प्लस साइन डेल्टा एक्स, कभी गुणा नहीं होता है, आप इसको ऐसे ही ना लिखें, ठीक है। तो अब आप इसको डेल्टा वाई लिखिए, यहाँ के सोचिए बेटा, इसको जब आप त्रिकोणमिति का सूत्र आपको ठीक सारा बताए तो उसमें से बताए थे साइन सी माइनस डी, वो यहाँ लिखते हैं साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है टू कॉस सी प्लस डी बटे टू इंटू साइन सी माइनस डी बटे टू। इस फॉर्मूला का उपयोग करके देखेंगे तो ये क्या है सी और ये आपका क्या है डी। तो लिखेंगे टू कॉस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बटे टू, और डी क्या है साइन सी यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बटे। यहाँ तक आपको क्या लिखना, परिवर्तन करने के बाद देखो क्या आ गया, डेल्टा वाई इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटे, कैसे हो गया सर एक्स एक्स टू एक्स बटे टू एक्स होगा, और डेल्टा एक्स बटे टू अलग अलग करते हैं, यहाँ क्या बच गया साइन
डेल्टा एक्स बटे टू। हाँ, आप परिभाषा इसका बोल रहे हैं, होने वाली परिवर्तन, परिवर्तन आप निकालें, की दर एक लिमिट है यहाँ, की दर परिवर्तन के बाद क्या है दर, पहले परिवर्तन अब कहें दर, दर का मतलब समझते हैं, टोटल परिवर्तन होता है डेल्टा एक्स, और एक में कितना होगा आपको बताए थे, यदि 20 कलम का कीमत 100 रुपया, एक कलम का कीमत 100/20 5 रुपया, इसका मतलब तो कुल से भाग देते थे, यहाँ कितना भाग देंगे डेल्टा एक्स से, ठीक है, वैसे आप यहाँ लिखिए अवकलज की परिभाषा, अवकलन की परिभाषा से परिवर्तन की दर की सीमांत मान, सीमांत का मतलब लिमिट, और यहाँ डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या होता है 0, ये जो परिवर्तन होता है बिल्कुल नगण्य, 0 अप्रोचिंग 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्या है बेटा 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बटे 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बटे 2, और पूरे में बटे क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, दोनों तरफ परिवर्तन की दर चाहिए ये रेट ऑफ चेंज। तो अब आप देखिए इसको आपको दिखाए थे याद को लिखाए थे गुण में आप कलच की परिभाषा के नीचे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स को उससे बताए थे दो फलन में एक साथ जब लिमिट लगा हो उसको अलग अलग में भी लगा सकते हैं, तो ये कॉस में भी लिमिट लग जाएगा, साइन में भी लिमिट लग जाएगा, तो लिखते हैं बेटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 2 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटे इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स बटे 2 बटे डेल्टा एक्स। अब कहेंगे सर आप डेल्टा एक्स को इसी में क्यों लेती हैं, इसमें इसलिए थे हम एक सूत्र आपको लिखा है याद को इधर लेते हो फिर लिख रहे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन के एक्स बटे एक्स का मान के होता है, क्या लिखते हैं के, आप बताइए साइन के बाद डेल्टा एक्स में तब दोनों से मान चाहिए ना, तो यहाँ डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स पर के का स्थान 1/2 है, आप इसको लिख सकते हैं इसमें मान रखिए 2 cos x प्लस 0/2, एक और चीज आप कर सकते हो यहाँ डेल्टा एक्स का मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रखोगे तो इन्फिनिटी वाले पे ले सकते हैं गुण 1/2 इंटू 2 टेन से क्या होगा cos x, इसका मान y माने ये क्या था dy/dx, y किसको माने हो देखिए तो sin x को क्या हो गया साइन एक्स बटे डीएक्स, इसमें दिक्कत समझ गया होंगे, तो हमको नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत है, आप चाहे तो छवो बना सकते हैं, सिर्फ यही यहाँ त्रिकोणमिति का सूत्र उचित लगाएंगे जो कि लगने वाला होगा, और यहाँ तो अलग अलग सब में करेंगे ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। देखिए दूसरा वाई इक्वल टू टेन एक्स, इसको मान लीजिए आप समीकरण एक, ये लाइन तो बेटा सम में लिखें, ठीक है, स्वतंत्र एक्स एक्स में स्वतंत्र एक्स में डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरे पास तो वाई डेल्टा वाई की वैल्यू होती है, उसके बाद दूसरा जो लाइन सुलझा बन जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकल दूँ, बस वही परिवर्तन की तरह परिवर्तन करेंगे, तो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स कट गया डेल्टा वाई। अब आप ढूंढिए यहाँ इससे त्रिकोणमिति का कोई सूत्र नहीं होता है, और जब त्रिकोणमिति को सूत्र समझ में नहीं आता तो साइन प्लस चेंज करना बेहतर होता है, इसको लिख सकते हो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप एलसीएम लीजिए क्या होगा कॉस
एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक, ये कंटिन्यू करो ना होगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ तक तो शायद किसी को दिक्कत ना हो। अब आप देखिए एक सूत्र आप जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए माइनस बी। अब देखिए ए का स्थान पर ये है और बी का स्थान पर एक्स है, तो साइन ए साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन ए है, तो अब आप इसको लिख क्या सकते हो छोटे, डेल्टा वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स पूरे में बचे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों कट गया। अब आप लिख दीजिए अब कलर्स की परिभाषा से, अब कलर्स की परिभाषा से डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होगा बेटा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो क्या बचा, साइन डेल्टा एक्स कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स गुने डेल्टा एक्स। अब आप देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स का मान एक होता है, इसको आप इसको आप समझ सकते हो क्या लिखना है, डी वाई बटे डी एक्स, और इसको दो टर्म निकलेंगे अलग अलग, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वन बटे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स, इसका मान क्या होता है एक। अब तो आप मान लिख सकते हैं वन बटे कॉस एक्स प्लस जीरो इंटू कॉस एक्स इंटू वन, फाइनल क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स वन बटे क्या हो गया कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए इसीलिए वाई किसको माने टेन एक्स को जी टेन एक्स बटे टी एक्स बटेगा क्या हो गया सेक स्क्वायर ये साबित करना था क्या बोले कट। तो अब आप शेष चार को बचाता उस चारों को छोड़ने को खुद से बढ़ाइएगा, मेरे पास से को देखिएगा जहाँ जहाँ था दिक्कत हम उसको देख लेंगे कोई दिक्कत बहुत।